अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। मेरे चैनल ज़रीन मल्टी फूड जायका में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको वेजिटेबल वाइट पुलाव बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। वेजिटेबल्स में मैंने बीन्स, फूल गोभी, बैगन, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, आप इसमें बटाने भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप ज़रूर डालें। और कुछ खड़े गरम मसाले हैं ये। साबित गरम मसालों में मैंने दो इलायची, दो तीन लौंग, स्टार फूल, शाहजीरा, दालचीनी और तेज़पत्ता ले लिया है। चलिए पुलाव बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे हम पुलाव। उसके लिए मैंने ये 5 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल में हम सबसे पहले पूरे गरम मसाले डाल देंगे, साबित जो मैंने लिए थे। इसे थोड़ा तड़कने देंगे। अब इसमें एक बड़ी प्याज स्लाइस की हुई डालकर इसे अच्छे से हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज हल्की गुलाबी हो गई है, हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है वरना कलर आ जाएगा प्याज का। हमारा पुलाव हमें वाइट ही रखना है, इसलिए 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन को भी डालकर इसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें 6-7 हरी मिर्चियों को मैंने कूट के रख लिया था वो डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे थोड़ा। हरी मिर्ची भून गई है, अब हम इसमें 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर इसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी भर के दही डालकर इसे भी थोड़ा अच्छा सा पका लेंगे। दही को अच्छे से मैंने पका लिया है। अब हम इसमें 3 आलू को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे, इसे भी थोड़ा भून लेंगे आलू को भी तेल के साथ, दही के साथ। आलू को मैंने दही के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें जो सब्जियां काट के रखे थे सारे डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैंने सारे सब्जियां डाल लिए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे ताकि सब्जियों में भी नमक आ जाए। इसे अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्जियों को थोड़ा मैंने पका लिया था, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने 1/2 किलो लिए हैं, सब्जियां में भी उसी के हिसाब से, चावल के हिसाब से ही मैंने ले लिए थे। चलिए चावल सारे डाल देंगे। चावल मैंने डाल दिए हैं, सब्जियों के साथ चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को सब्जियों के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चावल के हिसाब से पानी डाल लेंगे। ये देखें चावलों के हिसाब से मैंने पानी डाल लिया है। अब हम इसमें इस टाइम पर नमक और डाल देंगे, 1.5 चम्मच मैंने और नमक डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अभी इस टाइम पर हम पिसा हुआ गरम मसाला भी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसके 2 सीटी ले लेंगे और भाप में थोड़ी देर के लिए, जब तक भाप नहीं चली जाती तब तक हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा वेजिटेबल वाइट पुलाव खाने के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर खाएं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार बनता है। ज़रूर बनाकर खाएं मेरे तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे। चलिए मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।